हमारे पास क्या है, एक तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेटे फॉर्मूला है sin 2a, एंड sin 2a इज 2 sin a cos a। ठीक है सर, हमने जरा इनको थोड़ा सा सिर्फ जिसे कहना चाहिए शक्ल चेंज करने, बाकी फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो एंगल है लेफ्ट साइड में, अगर आप समझ रहे होंगे राइट साइड में उसका हाफ है, यस और नो? हाँ भाई, लेफ्ट साइड में अगर 2a है तो राइट साइड में कितना है सर, बोलो ना? एक हाफ ही है ना, हाफ, बस। तो यही हम कह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे यही कह दूं, उसी को चेंज कर दूं इसकी शक्ल को, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम 2a को सर, हम 2a को थीटा मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2 हो जाएगा। ये बस सेम इसी तरीके से मैं बेटे अगर आपसे कहूं कि भाई cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं बस, वी हैव 3 फॉर्मूलाज फॉर cos 2a, कोई बताएगा मुझे कौन कौन से थे? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos यस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। यस, तो इन द सेम मैनर जो हमने ऊपर किया है, अगर कॉस 2a को हम थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा θ/2 हो जाएगा। तो हमारे पास होगा cos θ इज इक्वल टू cos²θ/2 माइनस sin²θ/2 एंड 2 cos²θ/2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin²θ/2 एंड सिंपली लास्ट फॉर्मूला tan 2a। सो tan 2a वॉज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan²। अगेन tan 2a को कंसिडर करिए थीटा, सो tan θ इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन, आइयो बेटा वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, 1 माइनस tan²θ/2। थैंक यू बेटा। तो tan θ इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan²θ/2। जी बताइए, कुछ कह रहे हैं अयूब साहब, कुछ कह रहे हैं आप? नो सर, वो नेम चेंज करने के लिए वहां पे क्लिक कोई बात, आ जाइए आ जाइए, चलिए शाबाश। तो ये हमारे पास बेसिक θ/2 के फॉर्मूले। तो इन θ/2 के 4 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हैं एनसीईआरटी में। तो मैं पहले तो ये वाले टॉपिक और फिर कुछ फॉर्मूला हमें ड्राइव करने पड़ते हैं, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूलेज नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें देंगे और फिर हमें 1-2 फॉर्मूले अपने आप से यूज करके तब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो हमें थोड़ा सा लिंकिंग आनी चाहिए, जैसे लास्ट एक अरिबा ने भी क्वेश्चन पूछा था, बच्ची ने, अदीबा ने। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो बस हमारा लास्ट टॉपिक होगा। हमारे पास बेटे एक तो ये है एग्जाम्पल नंबर 28, ओनली बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूला, और वो भी दीज क्या थे, एक सिंपल अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास है sin x/2 cos x/2 tan x/2, और हमारे पास क्या है, ये लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ योर ऑप्शनल एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑन सिंपल बेस्ड दीज θ/2 फॉर्मूलाज। ठीक है सर, आपसे क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ ये देखो हमें क्या फाइंड करना है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 एंड सेम sin x/2 cos x/2 tan x/2 एग्जाम्पल 28 क्वेश्चन नंबर 8 9 10। तो हमें θ/2 फाइंड करना है।
अब साइन कॉस टेन हम किससे निकालें ये हमें देखना है. तो जो भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं ये हमारे पास फॉर्मूले, ठीक है. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके पास साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा, तीन हमारे पास रेशोज हैं. लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये है कॉस थीटा और ये हम बात करें टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. तो हम अगर हमारे पास कॉस थीटा होगा तो हम कॉस थीटा बाई टू निकाल सकते हैं. एंड इन द सेम मैनर अगर हमारे पास कॉस थीटा होगा तो हम साइन थीटा बाई टू भी निकाल सकते हैं. और आपको ये पता ही है अगर साइन थीटा बाई टू आपके पास है, कॉस थीटा बाई टू आपके पास है, तो टेन थीटा बाई टू भी आप निकाल सकते हैं. तो पहले ये फॉर्मूला एक तरह से ड्राइव कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ देखो सब जरा ध्यान से, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन होता है. वन को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा. और इधर हमारे पास क्या रह गया, इधर हमारे पास रह गया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. अगर इस टू को मैं अपॉन में लाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बाई टू अपॉन टू. तो लेफ्ट साइड में मेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. अगर मैं स्क्वायर को भी रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस थीटा बाई टू. और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस. क्या ये सब बच्चों को समझ में आया? यस सर. यस सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए बेटे, ये मेरे पास फॉर्मूला था कॉस थीटा का. तो इस कॉस थीटा से मैंने कॉस थीटा बाई टू फाइंड किया है और कॉस थीटा बाई टू कितना आ गया है, प्लस माइनस वन प्लस कॉस थीटा बाई टू. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कॉस थीटा हो तो मैं कॉस थीटा बाई टू निकाल सकता हूँ. दोबारा से फिर इसी फॉर्मूले को देखें. एक्चुअली क्या है, हमारे पास कॉस थीटा का एक फॉर्मूला और है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. तो अगर हम टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को एक साइड लाएं और कॉस को इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा. अगेन ध्यान से देखते जाइए, मैं इधर से हटाऊंगा, इधर रखता हूँ, डायरेक्ट निकाल लूँ. अगर मैं यहाँ से टू को हटा दूं तो ये टू अपॉन में आ जाएगा. अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को रिमूव कर दूं, इस स्क्वायर को, तो स्क्वायर को अगर आप रिमूव करोगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस. यस और नो? यस सर. तो साइन थीटा बाई टू आपके पास होगा प्लस माइनस वन माइनस कॉस थीटा बाई टू. आप अगर ऊपर देखोगे तो कॉस थीटा बाई टू होता है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू और साइन थीटा बाई टू होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू. मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टेन आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू. बताओ जरा सब बच्चे क्या आएगा, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है. तो साइन अपॉन कॉस अगर होगा, ये हमारे पास साइन है और ये हमारे पास कॉस है, तो अगर डिवाइड करेंगे टू से टू कैंसिल, रूट तो आना ही है, तो शायद कुछ इस तरह से आएगा प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा. तो इन कॉस थीटा से हम साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू एंड टेन थीटा बाई टू निकाल सकते हैं, ठीक है सर. तो एक बार चाहो तो आप एक बार फॉर्मूला लिख लो, जरा पेन चलाओ तो उससे क्या होगा, नींद भागेगी. ये तीनों फॉर्मूले लिख लो, साइन थीटा बाई टू इज प्लस माइनस वन माइनस कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस कॉस थीटा बाई टू एंड टेन थीटा इज जस्ट साइन अपॉन कॉस. लिखो सर दो मिनट, फिर सीधे सीधे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बैठ के पढ़ लीजिए, इधर उधर मत घूमिए प्लीज. चलिए पढ़िए जी. नोट कर लिया बेटे?
आइए जरा देखिए, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए और क्वेश्चन भी कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाए। घबराइए मत, अगर किसी की पहली क्लास है तो बस आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री समझिए, टेन से सीधे यहाँ आए, और जो फॉर्मूला है फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो फॉर्मूला अगर आपके सामने रखा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास बेटे कॉस एक्स है, हर एक टर्म को मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या क्या उसके मतलब है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस एक्स दिया हुआ है और आपसे कह रहा है साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू फाइंड करिए, ये आपसे कह रहे हैं। तो सब बच्चे देख लीजिए, हमारे पास है क्या, हमारे पास है कॉस एक्स और हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू। तो मैं दोबारा से आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। तो मुझे साइन एक्स बाई टू निकालना है, बाकी सबको एक साइड ले जाना है। तो यहां से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। अब आप फॉर्मूला लिखिए और आंसर लिख दीजिए। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस, कोई बच्चा मुझे बताएगा कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स की माइनस वन बाय थ्री। यस, तो आप पुट करिए यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री अपॉन टू, सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, थ्री वन जा थ्री प्लस वन फोर, फोर बाय सिक्स हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास आएगा प्लस माइनस फोर बाय सिक्स, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये अंडर रूट में है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन जिनको ट्रिग्नोमेट्री भी समझ में आ गई है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या कह रहा है कि सर x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। सब बच्चे जरा ध्यान से यहां समझ लीजिए, आपके पास साइन x बाई टू प्लस माइनस फोर बाई सिक्स आया है, आप चाहें तो फोर का अंडर रूट लिख सकते हैं, प्लस माइनस टू बाई रूट सिक्स। अब यहां आप ध्यान से देखिए, x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सभी को पता होगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि x 180 से लेके 270 के बीच में है। यस और नो? थर्ड क्वाड्रेंट किसे कह रहे हो आप, 180 टू 270, भाई ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, एंड 270 से फाइनल 360 इज फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270। आपको क्या ध्यान रखना है, सभी बच्चे प्लीज ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए कि हमारे पास जो एंगल है वो साइन एक्स बाई टू है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बट जो एंगल दिया हुआ है वो एक्स है। तो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? जब आपको एक्स बाई टू निकालना होगा तो आप 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 270 को डिवाइड करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो इसका मतलब x by 2 belongs to 90 to 135, और शायद 90 to 135 second quadrant होता है। Yes or no? Yes sir. Yes sir. ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आप सब बच्चों को, प्लस माइनस से ही आपका आंसर जीरो हो जाए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, थर्ड में टेन, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और इनके रेसिप्रोकल। तो साइन एक्स बाई टू इन सेकेंड क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? भाई साइन हमारा सेकेंड में है, तो सेकेंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो बस लिख दीजिए यहाँ, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव। तो आपके पास जो प्लस माइनस आ रहा था बेटे, तो सिर्फ प्लस रह जाएगा, टू बाई रूट सिक्स।
तो साइन x बाई टू इज इक्वल्स टू टू बाई रूट सिक्स. अब जरा कॉस निकाल लेते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तो बहुत ईजी है. तो मुझे चाहिए, फिर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन. यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लूंगा तो कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला सीधा सीधा प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स होता है बेटा. सिर्फ फर्क इतना ही है, यहाँ कॉस के फॉर्मूले में जो है प्लस आता है और साइन के फॉर्मूले में माइनस आता है. और कॉस एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो माइनस वन बाई थ्री है. तो वैल्यू रख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस माइनस वन बाई थ्री अपॉन टू. एलसीएम लेंगे, थ्री वन जा थ्री, माइनस वन टू, टू बाई सिक्स. तो टू बाई सिक्स हमारे पास आ जाएंगे. तो प्लस माइनस अंडर रूट टू बाई सिक्स. ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है कॉस एक्स बाई टू की. अभी हमने देखा था कि भाई एक्स बाई टू हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? हाँ भाई, नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. तो इसका मतलब अब हमें माइनस में लेना है. तो कॉस एक्स बाई टू हमारे पास हो गया माइनस रूट टू बाई सिक्स. ये हमारा कॉस है और अभी हमने साइन निकाला था टू बाई रूट सिक्स. ये हमारा साइन है. तो अगर हमारे पास साइन है और कॉस है तो हम डायरेक्ट टेन निकाल सकते हैं. तो टेन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू. तो साइन कितना था सर? टू बाई रूट सिक्स. और कॉस कितना सर? माइनस रूट टू बाई रूट सिक्स. तो सर रूट सिक्स से रूट सिक्स एंड रूट टू से रूट टू. तो फाइनली माइनस रूट टू. अगर आप वैल्यू से निकाल रहे हैं, साइन और कॉस से टेन निकाला है, तो फिर ये चेक नहीं करना पड़ेगा आपको कि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है. वैसे आप खुद सोचो कि टेन जो है एक्स बाई टू सेकेंड में है और सेकेंड की वजह से वो माइनस आना चाहिए था, तो ऑलरेडी माइनस ही आ रहा है. थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया क्या सब बच्चों को? हाँ भाई. यस सर. आगे दोबारा से समझ लीजिए, चार क्वेश्चन है, बस सीधा सीधा सा लिख रहा हूं मैं दोबारा से, थोड़ा सा शॉर्ट में. ये हमारे पास है साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू होता है. ये हमारे पास है कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स बाई टू होता है. और अगर हम पास साइन अपॉन कॉस है तो टेन आ जाएगा. तो टेन एक्स बाई टू हमारा सीधा सीधा सा प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स होता है. साइन माइनस में है, कॉस प्लस में, वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स. तो ये तो क्वेश्चन मैंने वो लिया जिसमें सीधा आपको कॉस ही गिवन था. तो कॉस हमें गिवन था तो हमने साइन एक्स बाई टू निकाल दिया, टेन एक्स बाई टू निकाल दिया. लेकिन दूसरे क्वेश्चन में होता क्या है कि जरूरी नहीं है कॉस दिया जाए. अभी शायद अजान होने वाली होगी तो मैं क्लास ब्रेक करूंगा 15-20 मिनट के लिए, नमाज के लिए और रोजा अफ्तार के लिए. लेकिन फिर इंशाल्लाह उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा. तो मोस्ट प्रोबली 7:15 से फिर आप ज्वाइन करेंगे. जी बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस. ये हमारे पास फॉर्मूले हैं बेटे, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए. हमें टेन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू निकालो. लेकिन आप सब बच्चे बताओ, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये सबका सब कॉस एक्स पे निकलता है. कि अगर हमें कॉस एक्स मालूम है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे पास कॉस एक्स नहीं है इस बार, हमारे पास है टेन एक्स. तो टेन एक्स से क्या हम कॉस एक्स निकाल सकते हैं? टेंथ में सीखा होगा आप लोगों ने, टेन एक्स से हम कॉस एक्स निकाल सकते हैं. तो पहले हम कॉस एक्स निकालेंगे और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए. हमारे पास होता है फॉर्मूला sec का. sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना जी? यस सर। तो टेन हमारा कितना है? 4/3। 4/3 का स्क्वायर कितना होगा? 16/9। 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25/9। तो आपके पास sec x कितना आ गया बेटे? प्लस माइनस 5/3। ठीक है, sec आया है तो sec से हम cos निकाल सकते हैं, और यहाँ मुझे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो cos x मेरा होगा प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ कह रहा है x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x इन सेकंड इज नेगेटिव, तो आपका फाइनली cos x आ गया माइनस 3/5। अब जब आपके पास cos x आ गया तो आप sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख सकते हैं। आपके पास क्या होगा? sin x by 2, मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, sin x by 2 प्लस माइनस अंडर रूट, साइन माइनस में होता है तो माइनस माइनस 3/5 अपॉन 2। कॉस एक्स बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट, कॉस प्लस में होता है 1 प्लस माइनस 3/5 अपॉन 2। साइन कॉस आ जाएगा तो 10 तो आ ही जाएगा, जरा सॉल्व कर लो इसे जल्दी से। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 वन जा 5 प्लस 3 8, 8/10 या 4/5, और 4/5 भी 2/√5। चलो 4/5 ही लिख देते हैं, बाद में सोचो। अब मुझे बताओ x कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड x by 2 कौन से में होगा? एक क्वाड्रेंट पीछे चला जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो सेकंड से कौन से में चला जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो अब फर्स्ट में तो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस। तो इन फर्स्ट sin x by 2 पॉजिटिव, तो आपके पास आ गया बेटे साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/√5। यहाँ हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3 2, 2/10 तो 1/5। ये आ गया कॉस एक्स बाई 2 इन फर्स्ट पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो कॉस एक्स बाई 2 हो गया 1/√5। जब आप डिवाइड करोगे तो 10 कितना आएगा? 10 is sine by cos, √5 cancel, 2/1, finally 2. Yes or no? Yes sir. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, आप ये कर सकते हैं, और शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं, उनमें तो शुरू के क्या ये भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो माशाल्लाह से ये वाले क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्लास में ही रहेंगे एक तरह से। मैं छोटा सा 5-20 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, बट आप करते रहिए तो अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन है बेटे, और ये क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, सीधा सीधा फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले लगेंगे वो एग्जाम्पल्स में लगेंगे, अभी मुझे दो क्वेश्चन कराने हैं, तो आप सब बच्चे प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन और, बिल्कुल अभी जो अभी हमने सीखा है थीटा बाई 2 उस पे है सीधा डायरेक्ट। ये बेटा 10 π/8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 π/8, तो आप सब बच्चे प्लीज ये क्वेश्चंस करके देख लीजिए, इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, अजान हो रही है, 7:15 7:10 पे इंशाल्लाह रीस्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।